15 जून की रात 11:30 बजे बिपरजॉय तूफान गुजरात के कच्छ जिले के जखाऊ तट से टकरा गया और अब जब वहां से आगे बढ़ा है तो बर्बादी के निशान छोड़ गया है। चारों तरफ तबाही का मंजर आसानी से देखा जा सकता है। क्या लोग क्या मवेशी सबको मानो हिला कर रख गया है तूफान। बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में देखने को मिल रहा है। ये चक्रवाती तूफान अपने साथ तबाही मचाने वाली आंधी, तूफान और गरज के साथ बारिश भी लेकर आया। इसका प्रभाव ऐसा रहा मानो सब कुछ तहस नहस कर देगा। हवा भी ऐसी चल रही थी कि हर चीज तिनके की तरह उड़ती दिखाई दी। बारिश इतनी मूसलाधार थी कि सब कुछ डूब जाने वाला लग रहा था। अब भले ही बिपरजॉय गुजरात के तट से दूर हो गया है लेकिन वहां का मंजर हृदय विदारक है। मुंबई, गुजरात और केरल के किनारे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती देखी गई। देश में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगहों से तूफान बन रहे हैं और ये तेजी से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिपरजॉय विकराल रूप लेता दिख रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तूफान को ये नाम कैसे मिला? किसने तय किया कि इस तूफान का नाम बिपरजॉय ही रखा जाएगा? क्या आप जानते हैं इसका जवाब? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। चक्रवाती तूफान का कैसे होता है नामकरण? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य देश चक्रवाती तूफान का नाम देते हैं। यूएन के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक पैनल के 13 सदस्य देश हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों के नाम तय करते हैं। 13 देशों के पैनल में भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन शामिल है। इस बार तूफान का नाम देने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की थी। कैसे बिपरजॉय पड़ा तूफान का नाम? क्योंकि बांग्लादेश को इस बार तूफान का नाम देना था तो बांग्लादेश ने ही इस तूफान का नाम दिया। बांग्ला में बिपरजॉय का मतलब होता है विनाशक, डिजास्टर, भीषण विपदा। तबाही तो चाहता कोई भी नहीं है लेकिन आने वाले तूफान का नामकरण संस्कार बकायदा अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया है। अमेरिका ए से जेड तक के अक्षरों के आधार पर बारी बारी से लड़के और लड़कियों के नाम देता है। इस पैनल में शामिल 13 देश 13-13 नाम देते हैं। सन 2020 में 169 नाम दिए गए जिन्हें 13 लिस्ट में रखा गया। हर लिस्ट में 13 नाम है। पहली लिस्ट का आखिरी नाम मोचा था, दूसरी लिस्ट का पहला नाम बिपरजॉय है। चक्रवात को क्यों दिया जाता है नाम? चक्रवात तूफान के बारे में भविष्यवाणी और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए चक्रवाती तूफान का नाम दिया जाता है। एक समय में एक से ज्यादा चक्रवाती तूफान उठ सकते हैं। चक्रवात का नाम पता होने पर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। एक साथ कई तूफान उठने पर और नाम पता न होने से कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तूफान तेरे कितने नाम? समंदर से उठकर धरती पर तबाही मचाने वाले तूफान के 4 तरह के नाम होते हैं। पहला हिंद महासागर में साइक्लोन, दूसरा अटलांटिक महासागर में हरिकेन, तीसरा प्रशांत महासागर में टाइफून, चौथा ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज। कहां बना बिपरजॉय? इस तूफान का फॉर्मेशन अरब सागर के मध्य पूर्व हिस्से में हुआ है। सागर के ऊपर गहरे दबाव का क्षेत्र बना और ये डिप्रेशन साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेता गया। हमारे मौसम विभाग के सैटेलाइट्स ने 6 जून को इसके संकेत दे दिए थे लेकिन इससे पहले ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम और यूरोपियन सेंटर ऑफ मीडिया रेंज वेदर फोरकास्ट ने भी आगाह कर दिया था। ये तूफान पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। 15 जून को उम्मीद के मुताबिक इसने गुजरात को हिट किया और अब वहां से आगे बढ़ गया है। वैसे तूफान के बारे में ये जानकारी बिपरजॉय तूफान के नाम के बारे में और साथ ही तूफान कैसे बनता है,
कैसे इसको नाम दिया जाता है, ये सब जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।